हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के फर्स्ट पेपर से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसके मॉक टेस्ट सेकंड के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 25 वन लाइनर करंट अफेयर्स। और फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको हमारे चैनल पर और भी वीडियोस मिल जाएगी, उसके लिए आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ इसी वीडियो के नीचे टॉप कमेंट में मिल जाएगा, यानी कि जो इसी वीडियो के नीचे पहला कमेंट होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। और साथ ही साथ आप इन क्वेश्चंस की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ इसी वीडियो के नीचे टॉप कमेंट में मिल जाएगा, जहां पर आप लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इन क्वेश्चंस की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, विच पॉलिटिकल लीडर विल बी बेस्टोड विद एन अवार्ड फ्रॉम बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन फॉर स्वच्छ भारत अभियान। यानी कि फ्रेंड्स, स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से एक पुरस्कार किस राजनीतिक नेता को दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स, वो है नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, विच हैज बीन नेम्ड एज इंडियाज बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस रिसेंटली। यानी कि फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस के रूप में किसे नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स, वो है माता वैष्णो देवी श्राइन। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास बिगेन रिसेंटली बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। यानी कि फ्रेंड्स, भारत और किस देश के बीच हाल ही में युद्ध अभ्यास 2019 शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स, वो सेकंड कंट्री है यूएसए। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, विच पर्सनैलिटी हैज बीन ऑनर्ड विद द 2019 रेमन मैग्सेसे अवार्ड। यानी कि फ्रेंड्स, 2019 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किस व्यक्तित्व को सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, वो है रविश कुमार। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, वाटर हैज बीन डिस्कवर्ड ऑन विच पोटेंशियली हैबिटेबल सुपर अर्थ। यानी कि फ्रेंड्स, जल की खोज किस संभावित रहने योग्य सुपर अर्थ पर की गई है? तो फ्रेंड्स, वो है K2-18b। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, पीएम नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड द हाउडी मोदी इवेंट अलोंग विद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन विच सिटी। यानी कि फ्रेंड्स, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाउडी मोदी कार्यक्रम को संबोधित किया? तो फ्रेंड्स, वो सिटी है ह्यूस्टन। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, विच डॉक्यूमेंट्री हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर्स। यानी कि फ्रेंड्स, ऑस्कर के लिए किस डॉक्यूमेंट्री को नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स, वो है मोतीबाग। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द आईएमडी वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2019। यानी कि फ्रेंड्स, आईएमडी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में भारत की रैंक क्या थी? तो फ्रेंड्स, इंडिया की रैंक थी 44th। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैज बीन सिलेक्टेड एज द न्यू चीफ ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि फ्रेंड्स, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को किस संगठन के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो फ्रेंड्स, वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन शॉर्ट में आईएमएफ, अगर हम हिंदी में कहें तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स चीफ। यानी कि फ्रेंड्स, नए भारतीय वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, वो है एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, वे हैं सुरजीत भल्ला। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन क्रिकेटर टू प्ले 100 T20 इंटरनेशनल्स। यानी कि फ्रेंड्स, 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, वे हैं इंडियन वुमेन क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019। यानी कि फ्रेंड्स, वैश्विक भूख सूची 2019 में भारत का रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स, इंडिया का रैंक है 102। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, हु हैज बीन रेकमेंडेड टू बी अपॉइंटेड एज द 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि फ्रेंड्स, किसे भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है? तो फ्रेंड्स, वे हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, विच मिनिस्ट्री वन द स्वच्छ भारत अवार्ड इन स्वच्छता एक्शन प्लान कैटेगरी। यानी कि फ्रेंड्स, किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत एक्शन प्लान श्रेणी में स्वच्छ भारत पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स, वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स,
which country is hosting the fifth meeting of the Eastern Economic Forum, यानी कि friends पूर्वी आर्थिक मंच की पांचवी बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो वो कंट्री है रशिया. क्वेश्चन नंबर 17 है, हु अज्यूम्ड द चार्ज ऑफ चेयरमैनशिप ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज रिसेंटली, यानी कि फ्रेंड्स हाल ही में विश्व चुनाव निकायों का संघ के अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसने संभाली? तो फ्रेंड्स वे हैं सुनील अरोड़ा. क्वेश्चन नंबर 18 है, विच यूनियन टेरिटरीज विल हैव अ कॉमन हाई कोर्ट, यानी कि फ्रेंड्स किस केंद्र शासित प्रदेश में एक सामान्य उच्च न्यायालय होगा? तो फ्रेंड्स वो है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख. क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स, विच कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू ओवरसी द बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू यूनियन टेरिटरीज, यानी कि फ्रेंड्स केंद्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्रों में निरीक्षण करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो फ्रेंड्स वो कमेटी है संजय मित्र कमेटी. क्वेश्चन नंबर 20 फ्रेंड्स, EPFO यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन वुड बी क्रेडिटिंग हाउ मच इंटरेस्ट फॉर द ईयर 2018-19 इन 6 करोड़ अकाउंट्स, यानी कि फ्रेंड्स EPFO 6 करोड़ खातों में वर्ष 2018-19 के लिए कितना ब्याज देगा? तो फ्रेंड्स वो है 8.65%. क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स, हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी कि फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के पहले लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स वे हैं जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी. क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स, हु वन द 2019 नोबेल पीस प्राइज, यानी कि फ्रेंड्स 2019 नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है एबी अहमद अली ने, जो कि इथियोपियन प्राइम मिनिस्टर हैं. क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स, इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट विच पोजिशन इन द 2019 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स, यानी कि फ्रेंड्स 2019 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो फ्रेंड्स वो प्लेस है 63rd, यानी कि भारत को 2019 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 63rd स्थान मिला है. क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली रिपोर्टेड कॉन्गो फीवर, यानी कि फ्रेंड्स हाल ही में भारत के किस राज्य ने कॉन्गो बुखार की सूचना दी है? तो फ्रेंड्स वो स्टेट है राजस्थान. क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स, विच कंट्री विल होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2022, यानी कि फ्रेंड्स फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सो फ्रेंड्स वो कंट्री है कतार. सो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने कवर किए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के फर्स्ट पेपर से रिलेटेड टॉप 25 वन लाइनर करंट अफेयर्स. बाकी फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का ऑप्शन आता है, आप उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट टाइम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए.